तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर दो ऐसी कारों को कवर करने वाले हैं जो कि लेटेस्ट लॉन्च 2020 मॉडल हुआ है। तो चलिए जानते हैं। पहले नंबर पे दोस्तों 2020 होंडा वर्ना फैसली वेरिएंट हो चुका है लॉन्च। तो कीमत और फीचर्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि दोस्तों होंडा इंडिया जल्द ही फैसली वर्ना को लॉन्च हम सभी के लिए भारत में करने वाली है। ज्यादा फीचर्स और BS6 कंप्लीट इंजन ऑप्शन के साथ ये कार आएगी। आपको बता दें कि एक नज़र से ये कुछ बदलावों में आपको देखने को लगती है, जैसे कि इसमें आपको 8.0 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अब आपको देखने को मिलाना चाहूँगा। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पूरी तरीके से डिजिटल रखा गया है। फैसली वर्ना में आपको ब्लू लिंक कनेक्टिविटी कार टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले और क्रूज कंट्रोल और स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल सिस्टम और एक रंगीन मल्टी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और एक सनरूफ और एक वायरलेस फोन चार्जिंग सुविधा और साथ ही हवादार सीट शामिल करी गई है। सुरक्षा के मोर्चे में दोस्तों फैसली वर्ना के अंदर आपको 6 एयरबैग्स की फैसिलिटीज देखने को मिलती है और साथ ही साथ EBD के साथ ABS रिवर्स पार्किंग सेंसर और एक रियर व्यू कैमरा भी इस कार में मौजूद किया गया है। और दोस्तों बताना चाहूँगा इसे 3 BS6 कंप्लीट इंजन द्वारा संचालित किया जाना है, मतलब भारतीय बाजार में ये 3 वेरिएंट में उतारी जाएगी। पहला है 125 PSP की पावर देने वाला 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा आता है दोस्तों 115 PSP की पावर देने वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन और तीसरा जो इंजन आता है वो आता है 115 PSP की पावर देने वाला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। तो इन 3 इंजन विकल्पों के साथ मार्केट में नई फैसली वर्ना को उतारा जाएगा। अब दोस्तों बारी आती है कीमत और लॉन्चिंग की। अगर हम फैसली वर्ना की लॉन्चिंग की बात करें तो इस कार को 1 मई को हम सभी के लिए भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत की बात करें तो दोस्तों भारतीय बाजार में वर्ना कार को केवल 8.7 लाख रुपीस के बीच उतारा जाएगा। दोस्तों हमारी दूसरी न्यूज को कवर करते हैं जो कि है मारुति सुजुकी ब्रेजा फैसलिफ्ट के पेट्रोल मैनुअली वेरिएंट में आने वाला है हम सभी के लिए हाइब्रिड सिस्टम। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि मारुति सुजुकी ने हाल ही में ब्रेजा फैसलिफ्ट को लॉन्च किया था, अब इस कार को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार कंपनी इस कार के मैनुअली वेरिएंट में अब आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्निक वाला इंजन का इस्तेमाल करने वाली है। और दोस्तों साथ ही साथ एक खबर और आई है कि न्यूज के मुताबिक जानकारी के अनुसार मारुति ब्रेजा फैसलिफ्ट मैनुअली वेरिएंट में जिसमें आप सभी को अभी 1.5 लीटर का 15B पेट्रोल इंजन देखने को मिलता था, उसके साथ ही अब HIVC टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि इस टेक्निक का इस्तेमाल अभी तक सभी ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही किया जाता था। और दोस्तों परिवहन विभाग के सामने आए कागजों को देखकर ये पता चलता है कि इसके नए माइल्ड हाइब्रिड इंजन टेक्निक को 3 वेरिएंट पे भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। तीनों ही वेरिएंट पे आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलेगा, जिससे ब्रेजा VXI और जैसे कि ब्रेजा ZXI और ब्रेजा ZXI प्लस वेरिएंट शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ ये तीनों ही वेरिएंट दोस्तों आप सभी को 5 स्पीड मैनुअली गियर बॉक्स के साथ उपलब्ध करवाए जाएंगे। ब्रेजा की तीनों वेरिएंट पे आपको 1460 सीसी का 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। ये इंजन 103 BSP की पावर और 138 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर प्रदान कर पाने में क्षमता रखेगा। आपको बता दें कि ये इंजन मारुति के कुछ अन्य कारों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सियाज और एंटीगा और HBC6 भी इस कार में शामिल है। अब बताना चाहूँगा कि माइल्ड हाइब्रिड टेक्निक की बात करें तो इसमें आपको 12 वोल्ट का हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 1.76 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ जनरेट करके पावर प्रदान करता है। बताना चाहूँगा इसके अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप टेक्निक का भी इस्तेमाल देखने को मिलेगा। टॉप बूस्ट फंक्शन जैसे फीचर्स भी इस कार में मौजूद किए जाएंगे। इस हाइब्रिड सिस्टम की मदद से ईंधन दक्षता को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बता दें कि मौजूदा समय में ब्रेजा का माइलेज 17.3 किमी का था, अब यही हाइब्रिड सिस्टम लगने के बाद इसका माइलेज दोस्तों 26.7 किमी का हो जाता है। दोस्तों ये थी हमारी दो नई कारें जो कि BS6 अनुपात के साथ हाइब्रिड इंजन टेक्निक के साथ 2020 में अपकमिंग मई के महीने में हम सभी के लिए लॉन्च होने वाली है। तो अपनी राय दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।